फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी निकाली गई है सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए केपीएससी में, यानी कि केरला पब्लिक सर्विस कमीशन में। यहाँ पे फ्रेशर्स बिल्कुल एलिजिबल है, फाइनल ईयर वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है। ऑल ओवर इंडिया से सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है, 40,000 सैलरी आपकी स्टार्टिंग यहाँ पे रहने वाली है। और इसके साथ ही टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 83 पोस्ट है, जो कि बहुत बड़ी है, तो आप लोग को यहाँ पे अप्लाई जरूर करना चाहिए। और सिलेक्शन मोड की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, तो पूरे नोटिफिकेशन को जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ के समझाऊंगा, अप्लाई कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा, नोटिफिकेशन कहाँ से रीड आउट करना है वो भी दिखाऊंगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो काम की लगी तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प होगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पे पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूं, और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा इंटरव्यू के, कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं, तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से आपको जुड़ने का, तो वहां पे मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अन अकेडमी लाया है ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एस्पिरेंट्स वालों के लिए, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप 5 करोड़ तक के स्कॉलरशिप और अट्रैक्टिव प्राइजेस जीत सकते हैं। और यही नहीं, आपको सोनल वांगचुक के संग मिलने का भी मौका मिल सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस बार गेट 2021 में 90 प्लस लर्नर्स ऐसे हैं अन अकेडमी से जिन्होंने बिलो 100 रैंक सिक्योर किया है और गेट एग्जाम को क्रैक किया है, तो उन्हीं में से आप भी अगली बार हो सकते हैं। उसके लिए आप गेट के सब्सक्रिप्शन आप यहां से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरा कोड CIVIL को अप्लाई कीजिएगा तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस नेविगेट स्कॉलरशिप ऑनलाइन टेस्ट में आपके लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको सोनल वांगचुक से मिलने का मौका मिलेगा, और उसके बाद आप यहाँ पे 5 करोड़ तक के स्कॉलरशिप भी यहाँ से जीत सकते हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ आप यहाँ से अट्रैक्टिव प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो फ्री का ऑनलाइन टेस्ट है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। और एलिजिबल ब्रांचेस की मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, CSIT वाले और ECE वाले यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये एग्जाम आपका होने वाला है 23 मई को, यानी कि इसी संडे को, और इसका टाइमिंग है 11 AM से लेके 12:30 बजे तक। तो ये 1.5 घंटे का एग्जाम है, आप लोग इसको अटेंड जरूर कीजिएगा। तो इस ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट को आप जरूर दीजिएगा, फ्री का है, आपकी प्रिपरेशन भी चेक हो जाएगी। और इसमें एनरोल करने के लिए, इसमें रजिस्टर करने के लिए खुद को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपसे कोड कहीं मांगा जाता है तो आप CIVIL, जो कि मेरा कोड है, आप उसको प्रोवाइड कर दीजिएगा, आप फ्री में एनरोल वहां पे हो जाओगे। तो ये है केरला पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है, गूगल में KPSC टाइप कीजिएगा, सबसे ऊपर इनका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, इसी को आप लोग यहाँ पे खोल लीजिएगा। वैसे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक प्रोवाइड कर दिया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, अप्लाई आपको कहां से करना है उसका भी लिंक, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो, यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, इसी के नीचे नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने ये विंडो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए लास्ट डेट 2 जून जो है, आपको ये वाला नोटिफिकेशन खोल लेना है यहाँ पे, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट डेट 34/2021, इसी को खोल लेना है। जैसे आप खोलते हो बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, सारा वैकेंसी यहाँ पे खुल के निकल जाता है। आपको खोलना है यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर वाला, असिस्टेंट इंजीनियर केरला स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो निकाला गया है, इसी पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ये नोटिफिकेशन पूरा खुल के यहाँ पे सामने आ जाएगा। मैंने पहले से यहाँ पे खोल के रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कआउट करके रखा हुआ है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड से यहाँ पे अप्लाई करने का कोई भी स्कोप नहीं है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। डिपार्टमेंट की बात करें तो जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होने वाला है वो है आपका केरला स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से सभी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केरला वाले यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और कोई भी फीस, आपको कोई भी पैसा यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है इसके लिए। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो आपको असिस्टेंट इंजीनियर का डिजिग्नेशन मिलेगा। स्केल ऑफ पे की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 39,500 से रहने वाली है, और नंबर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 83 रहने वाला है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा गया है, लेकिन डिपेंड करता है
यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो लिखा हुआ है, लेकिन आगे चल के ये भी मेंशन है कि हो भी सकता है कि रिटर्न एग्जाम यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन को देख के। तो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 36 इयर्स तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना ही चाहिए एज अ आईडी प्रूफ, यहाँ पे एकदम ये मैंडेटरी बोल दिया गया है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को भरने के लिए जो लास्ट डेट है वो है आपका 2 जून 2021, ठीक है, रात को 12 बजे तक। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा, ये वो ऑफिशियल वेबसाइट है, कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने बी बीटेक किया हुआ है सिविल केमिकल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में यहाँ पे एमटेक किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा जो भी यहाँ पे एलिजिबल है। और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, ये नोट नंबर 2 पॉइंट से ये मेंशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए या नेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे आपका वो रिजल्ट जो है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला से होना चाहिए। तो अगर आप दूसरे स्टेट में हो तो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आपकी होगी ही, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 साल के लिए रखा जाएगा और उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल के लिए पे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, और उसके बाद इसको अगर बढ़ाया गया तो वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तब जाके इसको बढ़ाया जाएगा। तो प्रोबेशन पीरियड पे स्टार्टिंग के लिए आपको 2 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद इसको 1 साल के लिए और यानी कि 3 साल तक टोटल इसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है मैं अभी आपको चल के दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है जो कि बिल्कुल फ्री है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद आप उससे लॉगिन कर लीजिएगा, वहां पे अप्लाई नाउ करना होगा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारा चीज यहाँ पे समझ में आ गया है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और होम पेज पे चले आना है। मैं यहाँ पे क्लिक करके होम पेज पे चले आता हूँ। होम पेज पे जैसे ही आप आते हो यहाँ पे देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन लॉगिन लिखा हुआ है, तो इस पे क्लिक करके सबसे पहले आपको खुद को क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लेना है खुद को, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करके पहले खुद को साइन अप कर लीजिएगा, फिर यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के खुद को पहले लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन कर लेने के बाद आप वहां से अप्लाई नाउ पे आराम से क्लिक करके वहां से अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में से पूछ लीजिएगा। आई होप आप लोग को सारा चीज यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आपकी सुविधा के लिए सारा लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का, ऑफिशियल वेबसाइट का, अप्लाई का भी, ठीक है। वीडियो और काम की लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दूसरों के साथ, और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोग के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।